गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट CASE-6th का नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपसे आपने लास्ट मतलब पहली वाली अगर मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो आपसे बहुत ईजी से बनेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन ये रहा, आला ने भी 75 mm लॉन्ग, इट्स फ्रंट व्यू 65 mm लॉन्ग। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना चेंजेस क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फ्रंट व्यू 65 mm लॉन्ग एंड टॉप व्यू 55 mm लॉन्ग। ठीक है, हैज वन एंड इज 20 mm अबव एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। क्लियर, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक लाइन है 75 mm लॉन्ग है, जिसका आपको फ्रंट व्यू दिया है। क्या दिया है? फ्रंट व्यू दिया है, फ्रंट व्यू है आपका 65 mm एंड टॉप व्यू है आपका 55 mm। ठीक है, जो 20 mm अबव एचपी है एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, ये पहचानना किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। देखो, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ बीपी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। मतलब जो एचपी है वो आपका फ्रंट व्यू है, जो बचा हुआ है वो आपका क्या है, टॉप व्यू। इतना क्लियर आप लोगों के लिए बस। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है कि आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिख दे रहा हूँ। सब आपको क्या दिया है, ट्रू लेंथ दी। ट्रू लेंथ कितनी दी है आपको, 75 mm। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको, फ्रंट व्यू दिया है। फ्रंट व्यू कितना दिया आपके लिए, 65 mm। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है टॉप व्यू। टॉप व्यू कितना दिया, 55 mm। ठीक है, और अबव एचपी है ना, एचपी अबव 20 mm। ठीक है, और बीपी इन फ्रंट 15 mm। क्लियर, ये है आपका गिवन डाटा, गिवन वैल्यू। ठीक है, इतना आपको क्लियर। क्या क्या दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, ये लिखा हुआ है, टू लेंथ दिए 75 mm लॉन्ग, फ्रंट व्यू दिया है आपको 65 mm लॉन्ग, टॉप व्यू दिया 55 mm लॉन्ग, है ना, एचपी आपको 20 mm ऑफ एचपी और 15 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। क्लियर, अब देखो बनाना कैसे है। आपको पता है ये जो हमारे 14 पॉइंट है तो आपको सबको लिखना ही है। आपका जो रफ डायग्राम बनता है वो क्या कैसे बनता है, मैं यहाँ पे बना के आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, बहुत फास्ट बना रहा हूँ। ये आपकी रेफरेंस लाइन है, आ रहे कुछ है मैं अबव एचपी, कुछ है मैं नीचे। ठीक है, ये आपका लोकस एडेस है, ये आपका लोकस ए है, यहां पर इंक्लाइंड है 45। ठीक है, यहां पर इंक्लाइंड है 30 degree। ठीक है, यहां से नीचे तक जाना है, यहां से ऊपर तक जाना है, ये सबको पता है। यहां आपका लोकस है कितना है, बी डैश, यहां लोकस है आपका बी। क्लियर, अब क्या करना आपको, देखो अब ध्यान से, अब आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस देके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और यहां से यहां तक का देके नीचे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, ए आपका कहलाता है फ्रंट व्यू, ठीक है, ए कहलाता है आपका टॉप, यहां से यहां तक। क्लियर है ना, ये आपका ए डैश था, ये आपका बी डैश था, ये आपका ए था, ये आपका बी था। ठीक है, ये आपका ए बी वन डैश था, ठीक है, ये आपका बी टू डैश था, ये आपका बी वन है, ये आपका बी टू है। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ये फ्रंट व्यू, तो यहां से यहां तक जो लेंथ दिख रही है क्या है आपकी, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू था, तो यहां से यहां तक, यहां से मतलब ए से बी बनता है ना, ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू। क्लियर, ये थीटा है, ये फाई है, ये ऊपर वाला अल्फा है, नीचे वाला बीटा है। ठीक है, मतलब ये आपका अल्फा है, ठीक है, ये आपका बीटा है। ये आपका रफ डायग्राम में यहां बना चुका हूं। अब देखता हूं मैं इसको इससे कंपेयर करके बनाता हूं कि इसे आपको कैसे बनाना है। ठीक, तो हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के डायग्राम पर। ये है आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक है, 20 mm अबव एचपी, तो 20 mm आप ऊपर जाओगे। ये आपकी डायमेंशन लाइन है, यहां 20 हो गया, नीचे जाना आपको 15, ये 15, ये है 15 mm। ठीक है, ये आपकी डायमेंशन लाइन है, यहां से आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, लोकस ऑफ ए डैश, यहां आपको ड्रॉ करना पड़ता है लोकस ऑफ ए।
ठीक है, ए आपका ए डैश था, ए आपका ए, क्लियर था ना। अब क्या करना है इसमें, देखो इंक्लाइंड तो दिया नहीं है, क्या एंगल है तो आपको यही तो फाइंड करना है। यहां पर मैं चेंज कर दे, यहां पर कर सकता हूं फाइंड बोथ इंक्लिनेशन एचपी एंड बीपी। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड बोथ इंक्लिनेशन एचपी एंड बीपी, मतलब इंक्लिनेशन मतलब इंक्लाइंड वाले एंगल आपको फाइंड करना है, कौन सा एचपी और बीपी वाला कि कितने पर झुका हुआ है, क्लियर। आपको नहीं पता ठीक है, तो क्या करोगे आप, आपको ये तो पता है फ्रंट व्यू कितना दिया है और टू लेंथ कितनी दी है, टॉप व्यू कितना दिया है, ये तो हम ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है। अब बस हमारे तीन ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहां से यहां तक आपको 75 देखो, यहां देखो इसी कर रहा हूं, ये क्या है लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है कि नहीं, जो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू होती है आपकी ठीक है, और जो आपकी लेंथ ऑफ टॉप व्यू होती है, जो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू हो जो फ्रंट व्यू आपके कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, दोनों लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू लेंथ फ्रंट व्यू दोनों समान होते हैं, तो हमारी लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट व्यू की लेंथ तो दी है आपको कितनी दी 65, तो यहां से यहां तक 65 जहां भी आएगा ठीक है, ए आपका हो जाएगा एल एफ वी ठीक है, ए कितना आपका 65 ठीक है, यहां क्लियर ना। तो ये हो गया हमारा ए से बी वन, ये तो हम बी वन दे दे रहे हैं बी डैश ठीक है, बी वन डैश ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब इस बी वन से देखो ध्यान से देखो, इस बी वन से कहां तक जाना पड़ता है आपको, इस बी वन से आपको कहां तक जाना पड़ता है देखो, लोकस ऑफ बी वाली लाइन तक जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास तो लोकस ऑफ बी है नहीं ठीक है, तो क्या करोगे हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दोगे, इस प्रकार से कर दी। अब देखो अब क्या करोगे आप, आपको लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है कितना 55, देखो ये दिया है लेंथ ऑफ टॉप व्यू कितना 55, जो लेंथ ऑफ टॉप व्यू 55 है किसके इक्वल है, टॉप व्यू के इक्वल है कि नहीं, देखो ये टॉप व्यू और लेंथ ऑफ टॉप व्यू दोनों हमेशा समान होती है, तो हम क्या करेंगे यहां से यहां तक 55 लेंगे, कहां तक यहां पे तक आएगा आपका 55, ये क्या है आपका लेंथ, यहां लिख दे रहा हूं लेंथ ऑफ टॉप व्यू कितनी है 55 ठीक है, इसका नाम क्या है आपका बी वन ठीक है, यहां मैं दे दे रहा हूं बी वन ठीक है। अब क्या करना है देखो, इस बी वन वाले पॉइंट से आपको कहां तक जाना है, लोकस ऑफ बी डैश तक जाना है, देखो ध्यान से, लेकिन बी डैश हमारे पता नहीं कहां है, तो हम क्या करेंगे सीधी यहां से ऊपर तक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इतना क्लियर, ये होगी लाइन ड्रॉ ठीक है। अब आप देखो जो हमारी ये लाइन ड्रॉ थी और ये जो हमारा ट्रू लेंथ होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है, बी डैश आता है, जो लोकस ऑफ बी डैश है कि नहीं, क्लियर था ना। तो आपको क्या दिया है, ए बी हो गया, ए बी हो गया, ट्रू लेंथ तो दी कि नहीं दिया आपको, तो क्या करोगे ट्रू लेंथ कितनी 75, अब 75 डिस्टेंस लोगे यहां पर रखोगे ठीक है, और आप इस प्रकार से आर्क लगाओगे तो इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा ठीक, कितने का 75 का ठीक है, 70 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर का लेना है, यहां पर रखना है एक लार्क लगाना जिसको इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा, इसको इधर काटना है ठीक है। सेम है आपको क्या करना है, यहां पर रखोगे आप ठीक है ना, 75 का यहां पर रखोगे और एक आगे लगाओगे जो इसको कहीं ना कहीं काटेगा, इधर काटना है ठीक है, तो इसको इससे मिला दोगे और इसको इससे मिला दोगे, एक क्या है आपका टू लेंथ, क्या है टी है, ये आपका क्या है टू लेंथ टी है, दोनों कितनी 75 75 ठीक है। आपका अब क्या करना आपको, ये जो आपका पॉइंट आया है ठीक है, इससे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, लोकस ऑफ बी डैश, क्या करना पड़ता है लोकस ऑफ बी डैश, और यहां से क्या आप लिखोगे यहां पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसका क्या कहलाएगा लोकस ऑफ बी, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपका डायग्राम बनते जा रहा है, अब देखो क्या करना पड़ता है, जो आपका लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू होता है इसका डिस्टेंस लेके आपको इस प्रकार से कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, इसका डिस्टेंस लेके इस प्रकार से कर्व ड्रॉ करना, तो इस प्रकार से लिया और इस प्रकार से कर्व ड्रॉ कर दिया ठीक है। सेम है क्या करना है, जो लेंथ ऑफ टॉप व्यू है इसका डिस्टेंस लेकर के आपको कर्व ड्रॉ करना है ठीक है, कर दिया हमने तो ए और इसको मिला दिया, ए हो जाएगा आपका क्या बी टू डैश, क्या हो जाएगा बी टू डैश, इसको इससे मिला हो जाएगा बी टू, क्या हो जाएगा बी टू, तो ए आपका आ गया फ्रंट व्यू ठीक है, ये आ गया फ्रंट व्यू, ये आ गया आपका टॉप व्यू, क्लियर हो गया। देखो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब आपको फाइंड क्या करना था, थीटा और अल्फा सॉरी थीटा और फाई आपको फाइंड करना था, देखो इंक्लिनेशन एच की, तो थीटा क्या होता है ए होता है, मतलब ट्रू लेंथ और ए लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू या लोकस ऑफ एडीएस के बीच का डिस्टेंस होता है आपका थीटा, ये कितना होगा ठीक है, यहां से यहां तक का फाइंड करना है ठीक है, ये आपका क्या है फाई ठीक है, क्लियर ना। अब अल्फा क्या है आपका
फ्रंट व्यू और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू के बीच का डिस्टेंस ए आपका अल्फा है और ऐसे यहां पर आपका ए वाला बीटा है, मतलब टॉप व्यू और लेंथ ऑफ टॉप व्यू के बीच का बीटा है। क्लियर स्टूडेंट? तो ए रहा आपका डायग्राम। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आता तो ऐसे करना है, तो आपसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक डायग्राम आपसे बनना चाहिए बनाते, ठीक है। बेसिक में जो मैंने 14 पॉइंट बताए थे वो कहां होते हैं वो आपको पता होगा। तो आपको जो ये 14 पॉइंट यहाँ पे दिए, इसमें से कोई भी आपको पांच वैल्यू गिवन होगी, हमेशा कोई भी पांच वैल्यू गिवन होगी, उन पांच वैल्यू में से आपको आराम से डायग्राम बना सकते हो। देखो यहाँ पे पांच ही वैल्यू गिवन थी, ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एचपी, वीपी, बस हो गया। अब हमने पांच में से देख के बना दिया है ना, आपको आपको थीटा नहीं दिया था, इसका फाई नहीं दिया था, आप कैसे करते? तो इसका डायग्राम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, प्लीज आप प्रतिदिन जो मैं अपलोड वीडियो करता हूँ उनको देखो आप, है ना, क्योंकि आपको जो आपका मेन एग्जाम होता है उनमें यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। क्लियर? थैंक यू।